कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पश्चिम बंगाल भी पहुंच चुका है। बुधवार को राज्य में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। 7 साल का एक बच्चा ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। ये लड़का हाल ही में यूएई के अबू धाबी शहर से लौटा है। ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला बच्चा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं से पहले हैदराबाद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इन 3 संक्रमितों में से एक 7 वर्षीय बच्ची भी शामिल है, जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। हैदराबाद में नए मिले ओमिक्रॉन के मरीजों में केन्या के एक 24 वर्षीय नागरिक और सोमालिया के एक नागरिक के हैदराबाद पहुंचने के बाद मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक 7 वर्षीय बच्ची भी संक्रमित पाई गई है, जो कि कोलकाता से फ्लाइट में आई है। तेलंगाना सरकार ने इसकी जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार को भी दे दी है। देश में आपको बता दें कि अब तक ओमिक्रॉन के 65 मामले हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले अब तक महाराष्ट्र में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 28 केस सामने आ चुके हैं अब तक। वहीं राजस्थान में 17 मामले सामने आ चुके हैं।